Assalamu alaikum viewers, welcome back to my channel. This is Tahseen from Bangalore. और मैं आज आपके साथ एक नई रेसिपी शेयर करना चाह रही हूँ जिसका नाम है अचारी चिकन. और ये मेरा न्यू चैनल का नाम अभी मैंने चेंज कर दिया है, दैट इज़ कुक विथ आयज एंड आसिम. तो आपको मेरी सारी रेसिपीज उस चैनल पर मिल जाएंगी. तो चलिए कुक विथ आसिम आयज आसिम के साथ कुक करते हैं आज की न्यू रेसिपी जिसका नाम है अचारी चिकन. तो इसके लिए मुझे इंग्रेडिएंट्स चाहिए. अराउंड हाफ के जी ऑफ चिकन मैंने ले लिया है और अराउंड 4 टमाटोज मैंने अच्छे से मैश कर लिए हैं. और मैंने ले लिया है ऑनियन, क्रस्ट ऑनियन ले लिया है मैंने. और मुझे ड्राई मसाले इसके साथ चाहिए, थोड़ा सा धनिया अराउंड 1 टेबल स्पून और हाफ टेबल स्पून ऑफ मेथी दाना. ज़ीरा मुझे चाहिए अराउंड 1 टेबल स्पून और हाफ टेबल स्पून ऑफ कलौंजी. तो दीज आर माई सूखा ड्राई मसालास. और बघार के लिए मुझे चाहिए करी पत्ता, ब्लैक पेपर थोड़ी सी अराउंड 5 से 10 पेपर, और 2 मुझे चाहिए रेड चिल्लीस. आप ग्रीन भी ले सकते हैं, रेड भी ले सकते हैं, कोई बात नहीं. और ड्राई मसाला में मेरे पास है यहाँ पर हल्दी पाउडर, थोड़ा सा चिकन पाउडर और 1 टेबल स्पून ऑफ रेड चिल्ली पाउडर और सिर्फ गार्लिक. इसमें मैंने जिंजर नहीं लिया है, सिर्फ गार्लिक ही मैं यूज़ करूँगी अचारी चिकन में. और थोड़ा सा हरा धनिया. और उसी के साथ मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ अचारी चिकन के साथ मेरे साथ साइड डिश है खिचड़ी, मूंग दाल की खिचड़ी. तो मैंने मूंग इसमें ले लिए, चावल मैंने ले लिया है, उसी के साथ मैंने ऐड कर दिए है मूंग दाल. और मुझे इंग्रेडिएंट्स चाहिए उसके लिए, थोड़ी सी ऑनियन, 2 रेड ग्रीन चिली मैंने ले लिया है, थोड़ा हल्दी पाउडर और अदरक लहसुन का पेस्ट. तो साथ ही साथ मैं दोनों डिशेस मेरी शेयर करूँगी. चलिए ऐसे ही फॉलो करके बनाइए, अचारी चिकन बहुत प्यारा सा बनेगा. सबसे पहले मैं इन सारे ड्राई मसालों को अच्छे से रोस्ट कर लूँगी, उसके बाद हम इसका एक फाइन पाउडर बना लेंगे. चलिए इन मसालों को ड्राई करते हैं, थोड़ा सा फ्राई करते हैं और उसके बाद में हम इसका एक अच्छे से स्मूथ पाउडर बना लेंगे. उसके बाद मैं बताती हूँ कि कैसे बनाना है. और एक दालचीनी का टुकड़ा, एक इलायची और एक लौंग और अदरक लहसुन का पेस्ट. चलिए बनाते हैं अपनी रेसिपी से. आ गए हैं आसिम जी कुकिंग के लिए. दिखाई ऑयल दिखो, ये देखिए आसिम ऑयल डालेंगे. मैं डाल दूंगा यार. ओके ओके, खोल को देना धीमी आंच में. जस्ट 2 मिनट्स के लिए इसको रोस्ट कर लीजिए ताकि इसकी खुशबू इन्हांस हो जाए. उसके बाद इसका एक फाइन पाउडर बना लेंगे. जीरा मेथी है और है कलौंजी इसमें. और धनिया, थोड़ा सा धनिया इसको ले लेंगे एक जार में. मैंने बना लिया इसको एक फाइन पाउडर में, अच्छे से इसको मैंने पाउडर बना लिया सारे मसाले को. अब ये मसाला तैयार हो गया, अब चलते हैं. आसिम डाल रहे हैं इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. बस 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 बाबा, बस 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 बस. और मैंने खिचड़ी के लिए भी थोड़ा ऑयल ले लिया है, ऑयल हो गया गर्म. इसमें मैं डाल दूंगी सारे मसाले, ब्लैक पेपर, करी पत्ता और थोड़ा सा रेड चिल्ली पाउडर, रेड चिल्ली सॉरी. इसको अच्छे से थोड़ा बघार लेंगे. रेड चिल्ली को थोड़ा तो के ले लिया मैंने दालचीनी का टुकड़ा, एक इलायची और एक लौंग. एज यू नो वी डोंट यूज सो मच ऑफ गरम मसाला, तो हम थोड़ा थोड़ा यूज करते हैं, एकदम प्योर होममेड, कोई ज्यादा गरम मसाला वाला नहीं. इसी में ऐड करती हूँ ऑनियन. इसको अच्छे से मैं थोड़ा लाइट ब्राउन होने के लिए छोड़ूंगी. ये अच्छे से थोड़ा फ्राई हो गया है, इसमें ऐड कर दूंगी थोड़ा सा ऑनियन, चॉप्ड ऑनियन. ऑनियन को अच्छे से मिक्स करते हैं. इतना अच्छा पक गया ऑनियन. अभी पकना बेटा, लाइट ब्राउन है. चलिए इसी से चेक कर लेते हैं हमारा खिचड़ी का ऑनियन भी.
थोड़ा थोड़ा ब्राउन हो रहा है, इसी में ऐड कर दूंगी मैं अदरक लहसुन का पेस्ट। देखिए हाथ से करी चिकन बना ले रहे हैं, अच्छे से वो फ्राई कर रहे हैं ऑनियंस को। और इस तरफ तो अच्छे से बॉईल हो चुका है, इसमें ऐड कर देंगे हल्दी और ऐड कर देंगे पानी। ये डेढ़ ग्लास चावल है, एक ग्लास वन ग्लास एंड हाफ रोटी के हिसाब से मैं पानी डालू। हरा धनिया और मैं इसको क्लोज करके रख दूँगी गर्म होने के लिए। और मेरे चावल भी यहाँ वॉश हो गए, मैं वो ऐड कर दूँगी इसमें। मैं ऐड कर दूँ मेरा ऑनियन अच्छे से पक चुका है। अब जिंजर ऐड कर देंगे, जिंजर नहीं सिर्फ हम आज गार्लिक ऐड कर देंगे। गार्लिक पेस्ट, गार्लिक पेस्ट थोड़ा भून लेते हैं। इसी के साथ हम ऐड कर देंगे हमारा चिकन, ऐड कर देंगे चिकन पीसेस। मैंने फ्रीजर से निकाला है इसीलिए ये ऐड कर रहा हूँ। नमक नमक से भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। अदरक लहसुन और नमक में अच्छे से मिक्स कर देंगे। और इसी के साथ मैं इसको थोड़ी देर बंद करके अच्छे से थोड़ा मिक्स करके फिर से मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ। मैंने चेक करना है कि कहीं पानी कहीं कम हुआ है तेल में, अभी इसमें थोड़ा और पानी है, इसी में इसको अच्छे से पकने देंगे। मेरा पानी अच्छे से बॉईल हो चुका है, कितना अच्छा। वाह, इसी में मैं ऐड कर दूंगी मेरे चावल जिसमें मैंने मूंग और राइस भिगो के रखे थे, वो मैं इसमें सारे क्लीन अप करके डाल दूंगी। उसी के साथ मैं ऐड करूंगी नमक। ये डेढ़ ग्लास चावल है तो मैं एक स्पून प्लस थोड़ा सा नमक ऐड करूंगी। और उसके बाद इसको मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी। क्या प्यारी प्यारी सी खिचड़ी तैयार हो गई। केचड़ी हमारे घर में बहुत फेवरेट है, सबसे ज़्यादा मेरी ही फेवरेट है। ये लोग तो वैसे भी खा लेते हैं लेकिन अचारी चिकन के साथ खिचड़ी माशाल्लाह इतना टेस्ट देती है क्या बताऊँ मैं। चाहे आप परोठा रोटी कुछ भी खा सकते हैं, नान ब्रेड, लेकिन खिचड़ी माशाल्लाह माशाल्लाह इसका टेस्ट। चिकन की तरफ देखिए इसका कलर कितने अच्छे से जैसे थोड़ा थोड़ा लाइट ब्राउन हो गया। इसको हम पलट देंगे। इस पॉइंट पर अब मैं ऐड करूंगी ये ड्राई मसाला थोड़ा सा, जस्ट थोड़ा सा ऐड करूंगी और मैं बचा के रखूंगी थोड़ा सा लास्ट में डालने के लिए। वन स्पून मसाले पाउडर मसाला
ब्राउन करना, वन एंड हाफ स्पून डाल सकते हैं और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद मैं डाल दूंगी हमारा टमाटो का हल्दी बनाएंगे, थोड़ी सी हल्दी और रेड चिल्ली पाउडर और चिकन पाउडर, ये सारे मसाले इसमें ऐड कर देंगे और उसी के साथ ऐड करूंगी मैं टमाटो प्यूरे। आप टमाटर भी डाल सकते हैं या फिर दही भी ऐड कर सकते हैं। आज मैं इसमें दही यूज नहीं कर रही हूँ, सिर्फ टमाटर ही मैं इसमें यूज कर रही हूँ। सिंपल एज बेस्ट डिश। इस पॉइंट पर मैं इसको क्लोज कर दूँ। हमारे चावल क्या हो रहे हैं ये देखिए, अच्छे से बॉईल हो रहे हैं हमारे राइस, मूंग दाल की खिचड़ी वाले राइस अच्छे से बॉईल हो रहे हैं माशाल्लाह। अब इसको और पकना है, तब तक ये सारा पानी चिकन भी चेक कर लेंगे थोड़ा। देखिए टमाटर में चिकन अच्छे से गल रहा है, हमें और इसको अच्छे से गलाना है, तो मैं ऐड कर देती हूँ इसमें थोड़ा सा टमाटो का वाटर। अच्छे से मिक्स करेंगे। और ऐड करूंगी इस वक्त मैं थोड़ा सा नमक कोई पता था इसमें ऐड कर देंगे नमक और इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद लगा दूंगी मैं फिर से दम। चावल में थोड़ा सा अभी सोख हो रहा है, थोड़ा सा घी ऐड कर दूंगी, थोड़ा सा घी और लगा देंगे इसको दम पर स्लो फ्लेम में दम के लिए। मैं ऐड कर दूंगी फिर से वो सारा मसाला जो मैंने बना के रखा था और उसी के साथ ऐड कर दूंगी थोड़ा सा हरा, ऐड कर दूंगी मैं इसमें हरा धनिया और इसको कर दूंगी अच्छे से मिक्स। तो उसको उसके बाद अच्छे से बॉईल करना, बॉईल करके और हम कौन सी चाय ज्यादा पसंद करते हैं उसमें और क्या डालते हैं, ब्लैक टी और उसमें क्या डालते हैं चाय में। हमारा चिकन अभी क्या हुआ, हाँ गरम गरम है, ठंडा है चीची के खिचड़ी क्या हो रही है। बिस्मिल्लाह माशाल्लाह देखते हैं, ये देखिए कितनी प्यारी सी खिचड़ी तैयार हो गई। मूंग दाल की खिचड़ी ज्यादा ग्रेवी नहीं करेंगे हम, बहुत ज्यादा पानी नहीं ऐड करेंगे, बस थोड़ा सा एकदम थोड़ी सी लाइट लाइट ग्रेवी, बस ज़्यादा पानी भी ऐड नहीं करना है और ज़्यादा थिक भी नहीं करना है। इस पॉइंट पर हम इसको
कर देंगे क्लोज। ये तैयार है अभी अचारी चिकन या सूखा अचारी चिकन कुछ भी हो सकता है सारा, लेकिन इसका टेस्ट पूरा आपको अचारी टेस्ट मिलेगा माशाल्लाह से। ऐस कैसा है डिश? यम्मी। चलिए फ्रेंड्स, इसी रेसिपी के साथ आज का व्लॉग एंड करती हूँ। ये रहा मेरा अचारी चिकन और खिचड़ी, मूंग दाल की खिचड़ी। एंजॉय करिए, बच्चे भी हमारे एजाज से भी एंजॉय कर रहे हैं, हम भी एंजॉय करेंगे। आप भी अपने बच्चों के साथ, फैमिली के साथ डिश एंजॉय कीजिए। अल्लाह हाफिज़। सी यू।